मनोहर, मनोहर का नाम अगर देखेंगे तो ये राजस्थानी शैली से ही मिलने लगेगा, लेकिन वो मनोहर नहीं है जो राजस्थानी शैली में कार्य करता था, ये मनोहर अलग है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वो दोनों अलग हैं, क्योंकि शताब्दी का ढेर सारा डिफरेंट है। और हाँ, ये कह सकते हैं जहांगीर जयपुर शैली का अगर कोई कलाकार है तो उसका संबंध जो है अकबर काल से जरूर होगा। तो यह अकबर और जहांगीर काल दोनों बादशाहों के शासनकाल में ये चित्रकारी करता था, और यह बसावन का पुत्र था। बसावन जो अकबर काल में कार्य करता था वो उसी का लड़का था मनोहर। ठीक है, और यह जो है मनोहर शिकार चित्रण करने में निपुण था। शिकार चित्रण करने के साथ साथ जहांगीर काल में राजसभाओं का चित्र, जब जहांगीर राजसभा करता था यानी कि अपनी सभा में जब बैठता था न्याय करने के लिए, तो उसका चित्रण मनोहर ने किया है। इसके साथ साथ रामायण ग्रंथ से संबंधित भी चित्रण मनोहर ने किया। कितना डिफरेंट है, देखिए, एक तो यह क्या किया, शिकार का चित्रण किया है, दूसरा राजसभा, राजसभाओं से क्या निकल के आता है, यह अपनी कला में परिपेक्ष का अच्छा प्रयोग करता होगा। राजसभा का मतलब यह है भीड़ भाड़ को चित्रित करना है, राजसभा का मतलब दो चार लोग राजसभा में नहीं होते हैं, ढेर सारे 15-20 लोग होंगे, जितने जहांगीर काल के मंत्री होंगे और उसके जो है नौकर होंगे, दास होंगे। ठीक है ना, यानी कि इसकी कला में जो है भीड़ भाड़, इसके चित्रों में भीड़ भाड़ वही आदमी अपने चित्रों में दिखा सकता है जो परिपेक्ष का अच्छा प्रयोग करे। ठीक है, इसके साथ साथ रामायण ग्रंथ पर आधारित चित्रण भी किया है। देखिए, रामायण ग्रंथ, राजसभा, ठीक है ना, शिकार का चित्रण, फिर यह साजा और दारा सिखों का सभी चित्र बनाया है। इधर आएंगे शेर का शिकार करते हुए जहांगीर, शेर का शिकार करते जहांगीर दो चित्र बना, एक जो है रूस के मॉस्को शहर में है, एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में है चित्र। एक चित्र है काला हिरण, जो महत्वपूर्ण है, ठीक ना, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है यह चित्र, काला हिरण। ठीक है, नील गाय अलग है और काला हिरण अलग है, याद रखिएगा। उस्ताद शालिवाहन, यह भी जहांगीर काल में लड़ाइयों का चित्रण करता था, जहांगीर जब युद्ध करता था उसका चित्रण ये किया है उस्ताद शालिवाहन। गोवर्धन, गोवर्धन ऐसा कलाकार है जहांगीर काल का, जो जहांगीर के समय में उत्सव और त्योहारों का चित्रण करता था। फिर आता है दौलत, दौलत यह दौलत कलाकार जहांगीर काल में यह ग्रंथ चित्रण करता था, और ग्रंथ चित्रण किसमें किया होगा, जहांगीरी नामा में, एक ही तो ग्रंथ चित्रित हुआ है। ठीक है, और यह अकबर और जहांगीर काल में, यह दोनों के शासनकाल में चित्रकारी किया है। फिर आइए महिला कलाकार, जहांगीर काल की महिला कलाकार साइफा बानो, नादिरा बानो, रुनुक बानो, ये तीन महिला कलाकार हैं। ये जहांगीर काल के जितने भी कलाकार थे वो लमसम समाप्त होगा, इतने से ही प्रश्न बनेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है पूछने की प्रकृति या पूछने का तरीका, या हो सकता है विकल्प रखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आएगा इतने से जितना हमने पढ़ाया है। ठीक है।